मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा आज झारखंड मंत्रालय में जिस तरीके से अलग अलग अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए, साथ ही साथ कई अभ्यर्थियों को यहां पर सम्मान राशि और साथ ही साथ लैपटॉप और मोबाइल भी दिए गए हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे ही अभ्यर्थी मौजूद है, हम लोग उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? दिव्या कुमारी। कहाँ से आया? रामगढ़। रामगढ़ से कौन से स्कूल है? GM+2 हाई स्कूल। क्या आपको आज मुख्यमंत्री ने यहाँ पर लैपटॉप दिया, साथ ही साथ चेक भी दिया है? कितने का चेक आपको मिला और कौन से स्थान पर किया? जी, मैंने स्टेट टॉप किया था साइंस स्ट्रीम में 12th में, और मुझे 3 लाख का चेक मिला है। 3 लाख का चेक मिला। और क्या क्या मिला है? लैपटॉप, फोन और ये सर्टिफिकेट। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने पढ़ाई कैसे किया, आप कहाँ से आती हैं और कैसा आपका बैकग्राउंड रहा है शुरू से? जी, मैं बहुत सिंपल फैमिली से आती हूँ। मैंने 11th 12th गवर्नमेंट स्कूल से की है रामगढ़ में, और वो मैं फर्स्ट टाइम था कि मेरे स्कूल से किसी ने टॉप किया था, और मुझे बहुत खुशी हो रही थी और बहुत अच्छा लगा सर के हाथों से गिफ्ट मिला तो अच्छा लगा। पढ़ाई आप कैसे करती थी, क्योंकि अगर आप जिस तरीके से बता रही है पहला ऐसा स्टूडेंट जो है वो स्टेट टॉप किया है, तो आपने पढ़ाई किस तरीके से किया? जी, बस रेगुलर बेसिस पे ही क्लासेस करती थी, क्लासेस देती जाती थी, हमेशा क्लास अटेंड करती थी, एब्सेंट कभी नहीं करती थी, बस कंटिन्यूअसली पढ़ती रही जाती थी। अच्छा लगा। हमारे साथ और भी लोग हैं, आप बताइए आप कहाँ से हैं और क्या नाम है आपका? मैं रांची से हूँ, सृष्टि कुमारी। कौन से स्कूल से? कौन सा स्थान आपने प्राप्त किया था और कितने का चेक आपको मिला है? मेरा फर्स्ट रैंक था, 3 लाख का चेक। ऐसा लग रहा है जितनी ज्यादा मेहनत आप करते हो उसका जब वो रिजल्ट बहुत अच्छा लग रहा है। और भी लोग हैं, आप लोग उनसे भी बातचीत करते हैं, उन बच्चों और साथ ही साथ यहाँ पे कई बच्चे भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और उनसे भी जानेंगे कि आखिर उन्हें आज का दिन कैसा लग रहा है, क्योंकि बहुत ऐसी तस्वीर हम लोगों को देखने को मिल रही है। सर, आपने अपने बच्चों के बिहाफ में लिया, कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत खुशी का वक्त है हमारे लिए। सही में बोला जाए तो मैं सेकंड टाइम आ रहा हूँ। 2020 वाले में भी मैं अपनी बेटी के लिए आया था, वो नेशनल टॉपर रही थी 99.6% के साथ, और 2023 में अब मेरा बेटा स्टेट टॉपर रहा है जिसके लिए मैं आ आया हूँ। दोनों बच्चे हमारे बिट्स पिलाने में कंप्यूटर साइंस ही पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। शायद आप भी पेरेंट होते तो ये गर्व को महसूस करते हैं। धन्यवाद। चलिए, यहाँ पे बच्चे भी है, हम लोग उनसे भी बातचीत करते हैं, क्योंकि इन्हें भी आज यहाँ पर सम्मान राशि, लैपटॉप, फोन सभी चीजें मिली है। क्या नाम है आपका, कहाँ से है? मेरा नाम दीक्षिता सिंह है और मैं हजारीबाग से हूँ, मैं डेवी पब्लिक स्कूल हजारीबाग की छात्र हूँ। कैसा लग रहा है, आपको कितने का चेक मिला है और कैसा फील कर रही है? मुझे अभी फिलहाल 3 लाख रुपए का चेक मिला और मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि हमारे मेहनत को हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा सराहाया जा रहा है और हमें प्रोत्साहित किया जा रहा है इस तरीके की मदद से। मुख्यमंत्री जी से क्या कुछ कहना चाहिएगा? यही कहना चाहूंगी कि हमारे जो हमारा स्टेट झारखंड है वो बहुत सारी चीजों पे ऑलरेडी जाना चाहता है, बट मैं चाहती हूँ कि एजुकेशन के फील्ड में भी झारखंड आगे बढ़े और वो जिस तरीके से एजुकेशन के फील्ड में इतना ध्यान दे रहे हैं वैसे ही वो देते रहे, ताकि हमारा जो स्टेट है वो पूरे नेशनल लेवल पे हमारा नाम रोशन करे। ठीक है, तो नेशनल लेवल पर हमारे स्टेट को एक पहचान मिलनी चाहिए एजुकेशन को लेकर के भी। तो लगातार ऐसे कई लोगों को आज यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा आज प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर और तृतीय स्थान पर इस तरीके से यहाँ पर सम्मान राशि जो है वो यहाँ पर दी गई है, लैपटॉप दिया गया है, फोन दिया गया है। तो इस सभी यहाँ पर पेरेंट्स भी पहुंचे हुए हैं, बच्चे भी पहुंचे हुए हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कुछ और भी लोगों से बातचीत करें, कुछ और भी जाने हम उनसे। आप कहाँ से आई है? हरमू रांची। क्या नाम है आपका? स्नेहा। कौन से स्कूल से? उर्सलाई इंटर कॉलेज। कितने का आपको सम्मान राशि मिला और कैसा? फर्स्ट टॉपर था तो 3 लाख का मिला सम्मान राशि, और ये मिलने के बाद बहुत ज्यादा ही खुशी फील हो रहा है, क्योंकि इन सब चीजों से हमारे पेरेंट्स को जो प्राउड फील होगा वो बहुत ही ज्यादा, हम लोग को उनके फेस का जो स्माइल होगा वो देख करके और भी ज्यादा हम लोग को खुशी होगा। तो ये एक तरह से बहुत ही मेमोरेबल डे होगा हमारे पूरे लाइफ टाइम के लिए। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को क्या कुछ कहना चाहिएगा अब? उनको पहले तो थैंक यू कहना चाहेंगे, उन्होंने हम बच्चों के बारे में इतना सब कुछ सोचा और वो हमें इस तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं और आगे भी करते रहे, ताकि हमें और ज्यादा हौसला मिले आगे और भी अच्छा करने के लिए।
देखिए तो सभी यहाँ पर जितने भी बच्चों से हम लोगों ने बातचीत की, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह करना चाहेंगे कि लगत हर वक्त हम सभी बच्चों को सपोर्ट करें, ताकि हम लोग और अच्छा यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई कर सके और अच्छा प्रदर्शन कर सके। और उसी क्रम में इस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कहीं ना कहीं सभी अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आभार व्यक्त किया है। फिलहाल इस खबर में मैं सदत नहीं, सहयोगी सुशील के साथ मैं पूजा दुबे, 99 न्यूज़ रांची।